राम राम दोस्तों, हलवाई चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हलवाई चैनल दोस्तों आज आपके लिए लेकर आए गुजरात की फुलवड़ी। दोस्तों फुलवड़ी कैसे बनाते हैं एकदम खस्ते और कुरकुरी, उसकी रेसिपी मैं आज आपको इस वीडियो के परफेक्ट बताऊंगा। चलते वीडियो शुरू करें, सबसे पहले देख लेते हैं मसाला। तो मसाला में यहाँ पर दोस्तों नमक है 60 ग्राम, हल्दी है 30 ग्राम, मिर्ची पाउडर 40 ग्राम, अमचूर पाउडर है 21 ग्राम, अक्का धनिया, जीरा, बड़ी सौंफ ये सब 20-20 ग्राम है। यहाँ पर काली मिर्ची है 10 ग्राम, पाउडर तिल है 100 ग्राम, यहाँ पर दोस्तों सूजी है 200 ग्राम, दही है 150 ग्राम और यहाँ पर बेकिंग पाउडर है 15 ग्राम और यहाँ पर है दोस्तों तेल, हम इसके अंदर यूज़ करेंगे 400 ग्राम और यहाँ पर है हमारा 2 किलो बेसन। तो 2 किलो बेसन का पूरा मेजरमेंट है वो मैं आपको एकदम स्टेप बाई स्टेप पूरी जानकारी देती हूँ। तो चलते हैं पहले आटा लगा के तैयार कर रहे थे इसकी मल्ली। सबसे पहले डाल देते दोस्तों इसके अंदर सूजी, उसके बाद में डाल देते सफेद तिल, काली मिर्ची अच्छे से बारीक कूट करके, अमचूर पाउडर, बड़ी सौंफ, जीरा, इसको थोड़ा कद्दूकस करके डालेंगे ताकि इसका स्वाद और बढ़ेगा। इसका पाउडर भी बना के डाल सकते हो और इसको कद्दूकस करके भी डाल सकते हो। मिर्ची पाउडर, नमक, यहाँ पर बेकिंग पाउडर 15 ग्राम, हल्दी पाउडर और यहाँ पर साबुत धनिया है, इसको भी थोड़ा क्रश कर देंगे ताकि इसका भी स्वाद है वो अच्छा आएगा। आटे को अच्छे से मिक्स कर देंगे। फुलवड़ी के लिए दोस्तों आटा कैसे लगाते हैं वो भी मैं आपको तो परफेक्ट बताऊंगा, इसके अंदर कितना पानी आएगा वो भी तो परफेक्ट जानकारी दूंगा। अब इसके अंदर डाल देते हैं 400 ग्राम ऑयल, एकदम खस्ती और मजेदार बनेगी। यहाँ पर आ गया हमारा पानी, पहले डाल देंगे दही, अभी इसके अंदर डाल देंगे दोस्तों पानी। पानी हम डालेंगे इसके अंदर 700 ग्राम पानी डालेंगे, क्योंकि दही का है वो गीलापन बैठेगा इसमें, तो इसके अंदर 700 ग्राम हमने पानी ऐड कर दिया। आटे को अच्छे से लगा के इसकी एक मल्ली तैयार कर देंगे। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा जो फुलवड़ी का आटा है वो एकदम लग के रेडी हो गया है। इसका टेक्निक आप देख सकते हो, हमने इसके अंदर पानी डाला वो भी एकदम परफेक्ट माप बताया और ये आटा देके इसी तरह आटा रहना चाहिए ताकि निकालते समय कोई दिक्कत नहीं होगी और हमारी फुलवड़ी वो एकदम खस्ती और मस्त बनेगी। तो इसकी एक डो बना के तैयार कर देते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा फुलवड़ी का आटा एकदम अच्छे से सेट हो गया। चलते हैं अभी तेल की तरफ और इसकी फुलवड़ी निकाल के आपको बताएंगे एकदम परफेक्ट हलवाई स्टाइल में। चलते हैं तेल की तरफ। तो यहाँ पर दोस्तों फुलवड़ी के लिए तेल है वो हमारा गर्म हो गया, कोई एकदम नॉर्मल तेल रखने का, ज़्यादा फॉल्ट नहीं रखने का। और यहाँ पर फुलवड़ी के लिए मैंने यहाँ पर एक बड़ा गारा लिया, ये क्या है, ये बड़ा गारा है, 16 नंबर गारा है ये, इससे निकालूंगा मैं फुलवड़ी। तो चलते इसके ऊपर थोड़ा बेसन लगा देते हैं। यहाँ पर हमारा बेसन आ गया, जारे को अच्छे से अंदर रखेंगे और ये मजबूत पकड़ेंगे और ये इसको इसी तरह निकालेंगे, ये एकदम हल्के हाथों से निकालेंगे। तो यहाँ पर निकल रही दोस्तों हमारी फुलवड़ी एकदम खस्ती और ज़बरदस्त, देखिए बहुत शानदार हमारी फुलवड़ी वो निकल रही है। इस तरह की रेसिपी आपको मिल रही है एकदम हलवाई स्टाइल में। इसको अच्छे से पकाएंगे 2 मिनट के लिए बढ़िया, उसके बाद में आगे बताएंगे हम आपको हमारी जो फुलवड़ी वो कैसी है।
गुजराती चने के दोस्तों बहुत शानदार नाश्ता है। अगर मेरी यही स्टाइल से आप बनाओगे तो आपकी जो फुलवड़ी है वो बहुत शानदार बनेगी, एकदम परफेक्ट बनेगी। ये देखिए एकदम खुशखुशी बन रही है। तो दोस्तों हमारी फुलवड़ी पक के रही होगी, इसको निकालते हैं बाहर तेल से, अच्छे से तेल जाते के निकालेंगे बाहर। और देखिए एकदम खस्ती जो फुलवड़ी है बनकर रेडी हो गई है। ये दोस्तों एकदम परफेक्ट फुलवड़ी बनाने के एकदम हलवाई स्टाइल का तरीका जो मैंने आपको बताया, अगर आप यही विधि से बनाओगे तो आपकी फुलवड़ी बहुत शानदार बनेगी। अगर आप चाहो तो इसके अंदर थोड़ा सा कलर ऐड कर सकते हो, लाल कलर। हमने इसके ऊपर कलर नहीं डाला, इसके अंदर हमने स्टेप किया है। और ये देखिए एकदम खस्ती और मज़ेदार फुलवड़ी बनकर रेडी हो गई है। पूरा निकालते हैं उसके बाद में आगे हम आपको बताएंगे। तो यहाँ पर दोस्तों हमारी जो फुलवड़ी है वो टोटल निकल गई है और एकदम परफेक्ट बनी है। दोस्तों ये रेसिपी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि दोस्तों फुलवड़ी है वो एकदम खस्ती और बहुत शानदार बहुत लाजवाब बन के रेडी हो गई है। आपको एकदम परफेक्ट हलवाई स्टाइल में ऐसी रेसिपी मिल रही है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब आप ज़रूर करें। और उसका पूरा मेजरमेंट है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लिख के दे दूंगा, कितना क्या लेने का है वो पूरा एकदम परफेक्ट है। तो यहाँ पर दोस्तों हमारी फुलवड़ी बन के एकदम रेडी हो गई, एकदम परफेक्ट बन गई है। देखिए आप एकदम खस्ती और एकदम जो इसका खाने का जो स्वाद है वो बहुत शानदार आता है। अगर आपको थोड़ा मीठा पसंद है तो आप इसके अंदर एक 100 ग्राम शक्कर भी, पीटी शक्कर जो पीसी हुई शक्कर है वो ऐड कर सकते हो, नहीं तो ऐसे भी ये नमकीन है बन के रेडी हो गई। इसको सुबह सुबह चाय के साथ में भी आप खा सकते हो और बाहर टूर के लिए घूमने को जाते हो तो अगर इस तरह की रेसिपी आप बना के साथ में लेके जाते हो तो बहुत शानदार रहती है। और घर की बनी हुई चीज घर की ही रहती है दोस्तों, एकदम परफेक्ट बन के रेडी। तो मिलते हैं दोस्तों एक अगली रेसिपी में, तब तक के लिए जय श्री राम, वंदे मातरम, खाते रहे खिलाते रहे और मुझे सपोर्ट करते रहे। जय हिंद।